उसी टाइम में ये बिल्डिंग कमीशन हो जाएगी और उम्मीद करेंगे कि हम इसी बिल्डिंग में बैठ के उसकी घोषणा कर पाएंगे। मैं एक बार फिर इस समारोह में आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय गृह सचिव महोदय का। दिव्य सज्जनों, आप सब जानते हैं कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के माध्यम से पूरे देश में जनगणना का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है और इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए देश भर में ORGI के 33 निदेशालय जो है वो कार्यरत हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे 33 निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ 33 निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित हम सबको माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का संबोधन और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। मीडिया के मित्र जरा स्टैंड पर सेट कर बैठ जाए और छायाकार बंधु थोड़ा आगे आ जाए, सिक्योरिटी वाले आगे आ जाना जी, उनको आगे आ जाओ, वो भी फोटोग्राफर सर आगे वो कोने में, और आप लोग स्टैंड पर सेट कर बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट श्री BR शर्मा जी, और आज जिनके आमंत्रण पर हम सब यहाँ आए हैं वो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी जी, और देश भर से 35 जगहों से जनगणना निर्देशक के कार्यालय से उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज ये कार्यक्रम देखने में बहुत छोटा है मगर देश के सामाजिक प्रवाह, देश के अंतिम व्यक्ति के विकास और देश के भविष्य के काम के आयोजन के लिए, प्लानिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि तीनों काम अगर जनगणना ठीक से नहीं होती है, जनगणना का ब्यौरा वैज्ञानिक और साइंटिफिक नहीं होता है तो करना नामुमकिन। ये तीनों कामों की नींव वैज्ञानिक जनगणना के रिपोर्ट पर ही आधारित होती है। तो आज मुझे बड़ा हर्ष है कि आज जनगणना भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 7 मंजिला भव्य इमारत जो बनने जा रही है वो अपने तय सीमा के अंदर ही समाप्त होगी और नई जनगणना का ब्यौरा देश के सामने इसी नए बिल्डिंग के माध्यम से हम रख पाएंगे, इसका मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। लगभग 7 मंजिले, 44 करोड़ रुपया, और सबसे विशेष बात है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग बनने जा रहा है। भारत में ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को पॉपुलर करने की जरूरत है और आज ये परंपरा को ये बिल्डिंग के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। आज जनगणना देश के बहुत सारे लोगों को इसकी महत्व और इसके जो विविध प्रकार के उपयोग है इसकी जानकारी भी नहीं, और मेरा तो डॉक्टर जोशी से आग्रह है कि जनगणना के महत्व को जब तक जनता के सामने नहीं ले जाएंगे इसमें जन भागीदारी का तत्व इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है
कि 130 करोड़ के देश को ये मालूम हो कि जनगणना का उपयोग क्या है, जनगणना के डायमेंशंस क्या है, जनगणना कैसे हमारे विकास के नक्शे को रेखांकित करने के लिए एक आधार के नाते ली जाती है, जनगणना कैसे हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए देश के भविष्य के विकास की एक आधारशिला रखने के लिए लंबे समय की योजनाएं बनाने का भी आधार होती है। और ये अगर जब तक देश की जनता के सामने नहीं रखेंगे तब तक जनगणना में जन भागीदारी शायद इतनी इन्वॉल्व नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। मैं इस पर बाद में आऊंगा। जनगणना हमारे देश में कोई नई नहीं है, परंपरागत रूप से होती आई है और लगभग अभी जो जनगणना का स्वरूप है, पहले गांवों में, जनपदों में, क्योंकि विकास विकेंद्रित था और विकास का प्लानिंग भी विकेंद्रित था, तो गांवों में, जनपदों में और महाजनपदों तक जनगणना का एक दायरा रहता था। अभी का जनगणना का जो स्वरूप है ये 1865 से 1872 के बीच में हमारे सामने आया, जब अंग्रेज इस देश पर शासन करते थे। सबसे पहले 1865 में ये जनगणना की गई, तब से लेकर आज तक ये 16वीं जनगणना होने जा रही है। कई बदल होते होते होते, नई पद्धति बनते 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 आज जनगणना डिजिटल भी होने जा रही है। एक मोबाइल ऐप से हम जनता को भी अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय, अपने परिवार की संपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने आप लोड करने के लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं। 1931 में जनगणना के काम में सबसे पहली बार पूछताछ का तत्व को आमेज किया गया। पहली बार घर घर जाकर विस्तृत पूछताछ कर इसके आंकड़े को एकत्रित करने की शुरुआत 1931 में हुई और 1901 से इसमें जातियों को डाला गया। 1961 में उसमें मातृभाषा और बोली की भाषा को भी डाला गया और 2011 का सेंसस जब आया, जनगणना सामने आई, तब मालूम पड़ा कि इस देश में 270 से बोलियां और भाषाओं का अस्तित्व है। तब जाकर देश को मालूम पड़ा कि हम कितनी विशाल बहुभाषी देश है। 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, ऐसी 217 भाषाएं इस देश में है। और 1981 में इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रेट हो पाए, इस प्रकार से जनगणना को बदला गया और 2001 के दौरान इसको ICR का प्रयोग करते हुए, ऑटोमेटिक फॉर्म प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर CAC का उपयोग कर बहुत आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। और 2021 में जो जनगणना होगी इसमें हम मोबाइल ऐप का भी प्रयोग करेंगे और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूँ कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त होगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं और जब विश्लेषण कर सकते हैं तो ही इसका बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रयोग उपयोग भी कर सकते हैं। और ये जो कदम डॉक्टर जोशी के लीडरशिप के अंदर हम उठा रहे हैं, मैं यहाँ बैठे हुए देश भर के सभी जनगणना निर्देशालय के प्रमुख अधिकारी और डॉक्टर जोशी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इससे देश के विकास का खाका डालने में हमें बहुत बड़ी मदद मिली। मित्रों, 2011 का जनगणना का आधार ले ले तो भारत का क्षेत्रफल
हमारे पास जो भूभाग बचा हुआ है वो देश के दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% और विश्व की आबादी की तुलना कर ले तो विश्व की आबादी का हम 17.5% आबादी रखते हैं। 2.4% 2.4% भूभाग और संसाधन और 17.5% आबादी, ये जो असंतुलन है वो हमें हमारी आंख खोलने के लिए मजबूर करता है कि हमें कितना अधिक परिश्रम एक देश के नाते, एक प्रजा के नाते, एक जनता के नाते करना है। जिस देश के पास जनसंख्या के अनुपात में कुदरती संपदा कम होती है उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है 2011 के सेंसस ने इसको हमें आगे बढ़ा है, मगर कुछ आनंद हो इस प्रकार के भी आंकड़े हैं। 2011 में हमारी साक्षरता की दर लगभग 74% हो गई, जो 10% बढ़ी है वो भी देश के लिए आनंद का विषय है। और ये भी निकल कर आया कि 2011 के सेंसस से कि देश सबसे युवा देशों में से एक देश हमारा देश है, भारत देश है, वो भी 2011 के सेंसस से ही निकल कर आया है। मित्रों, ये जनगणना जो होने जा रही है वो मानव संसाधन, जन अध्ययन, संस्कृति और आर्थिक ढांचे और विकास के ढांचे की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़े वैज्ञानिक तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। यही जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तय होंगे, यही जनगणना के आधार पर गांव के वार्ड तय होंगे, यही जनगणना के आधार पर विधानसभाएं, लोकसभाएं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड तय होंगे और एक समुचित जनप्रतिनिधित्व देश के लोकतंत्र को देने का आधार ये जनगणना बनने वाली है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इसको जितना बारीकी से करेंगे, जितनी गंभीरता से करेंगे, जितनी जन भागीदारी को बढ़ाएंगे देश के विकास में, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में आपका योगदान इतना ही बढ़ने वाला है। किसी को जब अपॉइंटमेंट मिलता है महकमे में तब मुझे भी मालूम है किस प्रकार का भाव खड़ा होता है, मगर एक लंबी नौकरी का हिस्सा होता है आप मानकर चलना ईश्वर ने देश के विकास की नींव डालने के काम के साथ आपको कुछ समय के लिए जोड़ दिया है और इसको एक पुण्य कमाने का एक अवसर मानकर हम सब ने मन से इसको करना चाहिए। और जितना भी आप मन से करोगे ये आने वाले दिनों में देश के विकास को और देश के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए काम आएगा। इस बार पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR हम बनाने जा रहे हैं, ये भी एक नई शुरुआत हो रही है। और मैं आप सब लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि ढेर सारी योजनाओं 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, इस देश की बहुत सारी चैलेंजेस को क्या हम समाप्त नहीं कर सकते, इसका विचार शुरू हुआ। हम योजनाओं को टुकड़े टुकड़ों में बनाते थे कि भाई इस साल 1 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ लोगों को घर देंगे, इस साल 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाएंगे, 50 लाख लोगों के घर में शौचालय बनाएंगे, मगर समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती थी, देश समस्याओं से मुक्त नहीं होता था। 2014 में नरेंद्र भाई ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे सोचने के स्केल में बदलाव लाने की शुरुआत, देश को समस्याओं से मुक्त करें इस प्रकार के आयोजन की, इस प्रकार के प्लानिंग की शुरुआत की और वहीं से शुरू हुआ जनगणना के रजिस्टर का सही उपयोग की शुरुआत। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2011 का जनगणना का रजिस्टर जो आप लोगों ने परिश्रम कर बनाया, इसके आधार पर एक ही योजना का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत सारी योजनाओं में उपयोग हुआ है।
इसका सबसे बड़ा उपयोग हुआ उज्ज्वला योजना के। इसके अंदर से आंकड़े मिले कि देश में 8 करोड़ गरीबों के पास गैस है और 8 करोड़ गरीब जो गैस रखते हैं वो कहां कहां है। अभी इसको जब डिजिटल मैप पर रखा गया तो ये निश्चित हो गया कि ये बहुत ड्राई एरिया है, 93% लोगों के पास गैस नहीं है, यहां जो गैस है 93% लोगों के पास उपलब्ध है। कितना बड़ा अंतर आता था, कोई क्षेत्र ऐसा था जहां 93% लोगों के पास गैस नहीं था, एक क्षेत्र ऐसा आता था जहां 93% लोगों के पास गैस था। अब इतने बड़े अंतर को कैसे समाप्त करना, तो गैस बनाने से या गैस एक बार सिलेंडर देने से नहीं होता, उसको पूर्ति करनी पड़ती है, उसको एजेंसी वहां एक रिफिलिंग के लिए एजेंसी चाहिए। और यही 2011 के जनगणना का आधार लेकर पूरा एक डिजिटल मैप तैयार किया। सबसे पहले जो एकदम ड्राई एरिया थे वहां एक तय किया गया कि इतने गैस सिलेंडर बढ़ते हैं तो एक एजेंसी चाहिए, इसके आधार पर गैस एजेंसियों की एडवर्टाइज की गई, गैस एजेंसियां दी गई, उत्पादन बढ़ा गया और उसके बांटने की प्रक्रिया चालू हो गई। आज देश के 95% लोगों के पास गैस का सिलेंडर है, 8 करोड़ सिलेंडर सिर्फ 5 साल के अंदर हम दे पाए। और कहीं पर भी ये बात सामने नहीं आई है कि मैंने रिफिलिंग के लिए फोन किया और गैस का सिलेंडर 2 दिन के अंदर नहीं आया है, क्योंकि इसको वैज्ञानिक आधार पर एजेंसियों का वहां पर स्थापित करने का काम पहले से ही समाप्त हो चुका। और आज 2022 में हमने लक्ष्य रखा है ये 2011 के जनगणना के रजिस्टर के आधार पर ही कि देश में जब 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ होगी तब देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं होगा, ये जनगणना के आधार पर ही हम कर पाए। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या है, आपके ध्यान पर भी रहना चाहिए, ये बोरिंग टाइप की एक्सरसाइज नहीं है। करने को तो लग सकता है कि बोरिंग टाइप की एक्सरसाइज है, मगर इसका उपयोग जो होता है किसी के घर में खुशी पहुंचाने के लिए होता है, किसी के घर में उजाला पहुंचाने के होता है, किसी के घर से बीमारी को भगाने में हो सकता है। और आपको आश्चर्य होगा इसी के आधार पर 22 योजनाओं का रेखांकन किया गया है। हर व्यक्ति को घर देना, हर व्यक्ति को शौचालय देना, अब 2024 के पहले हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, रोड से जोड़ना और हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, ये सारी योजनाओं का आधार कहीं कहीं जनगणना का हमारा जो ये आलेख है वो बना है। आगे पर भी पूरे प्लानिंग की व्यवस्था, फूड एंड सिविल सप्लाई के कहां पर खोलने की जरूरत है, क्योंकि यहां से इनकम निकल कर आ जाती है, तो उसको भी साइंटिफिक तरीके से करना, सबको बैंक अकाउंट खोलना, बैंकों की ब्रांचें खोलना, अनेक विध उपयोग इसके लिए जाते हैं। शायद डॉक्टर जोशी ने आपको इतना अच्छे से नहीं बताया, मगर मैं 2014 से सभी योजनाओं के साथ कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्ष और मंत्री के नाते जुड़ा हूं। मैं आपको बताता हूं कि आप जो काम करते हैं वो देश की गरीबी को भगाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को शिक्षित बनाने के लिए और देश को एक विकसित देश बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। और जब तक ये मन का भाव हमारा एक कार्य के अंदर नहीं जुड़ता, एक कार्य को हम अच्छे से नहीं कर पाए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज हम 1 साल 2 साल के लिए करते हैं वो 25 साल तक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। और मेरी सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना भी, लिंग अनुपात को सुधारने की योजना भी इसी में से जन्म ली। हमें मालूम पड़ जाता है कौन से जिले में बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चियों की संख्या कहाँ कम है, तो वहां पर जन जागृति फैलाना, वहां पर कठोरता करना, वहां पर गर्भपात पर प्रतिबंध के ज्यादा कानून को कठोरता से लागू करना और लिंग अनुपात को, सेक्स रेशियो को ऊपर लाने के लिए हमने प्रयास किया है और हरियाणा इसका आइडियल उदाहरण है। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को कभी जाकर मिलिएगा, आपके रजिस्टर का उपयोग कैसे वैज्ञानिक तरीके से किया है, हरियाणा सबसे नीचे था, आज हरियाणा 5 साल के अंदर लिंग अनुपात में सबसे अच्छा लिंग अनुपात लेकर देश में सबसे पहले स्थान पर खड़ा है।
और मित्रों ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब जनगणना का काम ढंग से हुआ, सटीक हुआ, सही हुआ। और इस बार जो एनपीआर बनने जा रहा है, मैं आपको बताता हूं देश की कई सारी समस्याओं का समाधान एनपीआर के अंदर, कानून व्यवस्था से लेकर पोषण के पोषण युक्त आहार तक की सारी समस्याएं ये एनपीआर निकलने वाला है, इसका समाधान एनपीआर निकालने वाला है। अब 5 साल के बाद मेरे शब्द याद कर कहिएगा कि साहब एनपीआर ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया और अच्छा ही हुआ कि सरकार एनपीआर के रास्ते पर चल पड़ी। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि मनरेगा जैसी योजना चलानी हो या पोषण युक्त आहार की योजना चलानी हो, आपका जनगणना का आधार ये बहुत बड़ा है। आजादी के पश्चात ये 8वीं जनगणना होने जा रही है, लगभग 2021 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी और 1 से 5 मार्च तक उसका पुनरावृत्ति चरण भी चलाया जाएगा और पहली मार्च 2021 को 00:00 इसको एक रेफरेंस टाइम देकर अपनी जनगणना समाप्त होगी। मित्रों मेरा मानना है कि इस जनगणना को कंप्लीट बनाना चाहिए, संपूर्ण बनाना चाहिए। इसके अंदर 16 भाषाओं को इसलिए रखा गया है कि लोग अपनी भाषा में अपना परिचय ढंग से भर सकें। इस बार मोबाइल ऐप भी इसलिए बनाया है कि आपका काम थोड़ा सरल हो सके, मगर मोबाइल ऐप की भी सत्यापन करने का काम तो आपका है ही कि आप लोगों को याद रहना चाहिए। जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल और रिकॉर्ड के लिए दिए कोड निर्देशिका को हम ढंग से समझ लें और समझाने का भी काम करें, तभी जाकर हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। और अब तक हुई सभी जनगणनाओं में सबसे ज्यादा व्यय सरकार इस बार लगभग 12,000 करोड़ रुपया, एनपीआर और जनगणना दोनों मिलाकर 12,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। इससे भी हमें इसके महत्व को पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं कि 2021 में टेक्नोलॉजी के आधुनिक रूप को उपयोग करते हुए पेन और पेपर से शुरू हुई जनगणना डिजिटल जनगणना में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी देश के यहां बैठे हुए 35 निर्देशकों की है। एक डिजिटल जनगणना एक बार बन जाती तो इसके बहुआयामी उपयोग शुरू में होंगे। अभी सरकार ने ऐसा आयोजन नहीं किया है, मगर जन्म और मृत्यु की रजिस्टर के क्या हम देश की मतदाता सूची के साथ नहीं जोड़ सकते? एक बच्चा जो पैदा हुआ अगर उसका मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो 21वें साल वो मतदाता नहीं बन सकता है क्या? अपने आप उसको एप्लीकेशन करना जरूरी है क्या? मैं मानता हूं नहीं। अगर एक मतदाता का मृत्यु हो जाता है और उसका परिवार इसका पंजीकरण कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो मतदाता सूची अपने आप अपडेट नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। ये सारी अलग अलग एक्सरसाइज को हमने समाप्त करने पर, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, अपने परिचय का कार्ड, ये सारी चीजें, ये जनगणना अगर ढंग से हो जाए, इसका डिजिटल फॉर्मेट हम ढंग से बना दे और कुछ सॉफ्टवेयरों की निर्मित कर दे तो एक ही कार्ड में सबके सब कार्ड आ सकते हैं, जिसमें आपका बैंक का कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका मतदाता परिचय का कार्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। ये सारी चीजों को एक ही जगह पे लाने के लिए ये डिजिटल जनगणना आने वाले दिनों में बेस बनने वाली है। अभी सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई नहीं है, मगर पोटेंशियल क्या पड़ा है मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि डिजिटल जनगणना को सफल बनाना आपका काम है, डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए जनता को जागरूक करना आपका काम है, हमारा काम है, हम सबका संयुक्त काम है और इसको अच्छे से करना चाहिए। देश को बहुत बड़े खर्च से हम बाहर निकाल पाएंगे, बहुत बड़े डुप्लीकेटिंग वर्क से देश बाहर निकल पाएगा। तो हम सबने एक मान कर चलेगा, एक राष्ट्रीय यज्ञ का काम है, राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर आपकी निष्ठा
और आपके समय दोनों की आहुति चाहिए। अकेला समय की आहुति दोगे तो ये सफल नहीं होगा, समय की आहुति निष्ठा के साथ दोगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से सफलता मिलेगी, इसका मुझे भरोसा है। आज एक नए भवन का शिलान्यास किया है, ऑफिस को हिंदी में कार्यालय कहते हैं, जहां कार्य का आलय होता है उस जगह को कार्यालय कहते हैं। तो यहां पर भारत के भविष्य का, भारत के विकास का, भारत के अर्थतंत्र का और भारत के अंदर से गरीबी को 100% उन्मूलन करने का कार्य का आलय इस भवन में होने वाला है। एक बहुत बड़ा काम इस भवन में होने वाला है। आज एक 7 मंजिला भव्य भवन की आधारशिला रखी गई है। मुझे भरोसा है कि 2 साल के अंदर ये भवन कार्यरत हो जाएगा और देश के विकास के अंदर अपना योगदान देगा। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर